ये क्या पहना है तूने? कभी कभी ना कुछ भी पहन लेती है तू। रहने दे नारे, खास माँ ने गोद भराई के लिए बनवाया है। आजा बेटा आजा। हाँ, इस पे पांव रख के आजा। ठीक से बैठो। मैंने मम्मी को बोला इसके बारे में सोच के क्या फायदा, और वैसे भी मैं तो आजकल मत ढूंढ। अरे तू जिसे ढूंढ रही है उसे ढूंढने की कोशिश ही मत कर। नहीं मैं वो, अरे वो आजकल हमारे साथ रहती कहाँ है? उसे रणवीर से फुर्सत मिले तभी तो वो हमारे पास आएगी ना। और आज भी वो दोनों क्लास बंक कर रहे हैं। सारा सामान गाड़ी में ठीक से रख दिया है ना? हाँ भौजी, सब रख दिए हैं, बस एक तो छोटा बैग बच गया है। ठीक है। अनन, तू भी सारा सामान ठीक से देख लेना, कोई कागज पत्र कुछ भी जरूरी चीज छूट ना जाए। और पापा ने जो टिकट दिया था वो रख लिया है? जी माँ। चल। गाइस, मैं सच कह रहा हूँ, सुबह से आनंद को कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ मगर वो फोन ही नहीं उठा रहा है। और कहीं उस एक्सीडेंट के बाद, और मेरा मतलब है कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? और वो उसे चोट लगी थी ना माथे पे, तो मुझे लगा कहीं हमारे इस सारे सवालों के जवाब इस पैकेट में। इसको खोलते हैं तो पूरा मामला साफ हो जाएगा। नहीं नहीं अफी, ये अनंत का पैकेट है, हम इसे कैसे दे... सोनिया ने क्या कहा था कि ये पैकेट अनंत तक पहुंच जाना चाहिए, तो पहुंच जाएगा। ये थोड़ी ना कहा था कि बिना खोले पहुंच जाना चाहिए। और हम थोड़ी देर के लिए इसको झांके देखेंगे, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। अभी नहीं, हम ऐसे किसी के पैकेट को खोल के नहीं देख सकते। इसमें कुछ भी हो सकता है। नव्या बस करना, हर बातों पे सही गलत इतना क्यों सोचना? अरे कभी तो कुछ बिना सोच के करके देख। लेकिन आपी, ए अनंत, आपी छोड़ो, अनंत का है। सॉरी बाबा, थोड़ी देर हो गई। टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करो अनंत, पहले इतनी देर हो चुकी है। हाँ तो चलिए अनंत जी।